वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू हो चुकी है और इसी बीच पाकिस्तान ने कुछ हटके ही तैयारियां करने का सोचा है। पाकिस्तान टीम वो टीम जिसे वर्ल्ड कप के टॉप कंटेंडर्स में माना जा रहा है और ग्लेन मैकग्रा जैसे दिग्गज अपने टॉप फोर में रख रहे हैं, सेमीफाइनल्स के टॉप फोर लिस्ट में पाकिस्तान जैसी टीम को रख रहे हैं। वही टीम ने एक नया ही हटके अपना रुख अपनाया है वर्ल्ड कप की तैयारियों में। पाकिस्तान टीम ने सोचा है कि वो वर्ल्ड कप में एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट अपने साथ लेके जाएंगे। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स की मेंटालिटी और प्रेशर पे काम करते हैं, उन्हीं में वो ट्रेंड होते हैं। पीसीबी का ये फैसला लिया गया है, मेनली ये फैसला पीसीबी से लिया गया, पाकिस्तान टीम से नहीं, कि वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हायर करेंगे। इसके पीछे जो वो मेन कारण दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो इंडिया खेलने आएंगे उन्हें बहुत ज़्यादा कम एक्सपीरियंस है इंडिया में खेलने का। पिचेस तो चलो आप अक्वायर कर लेंगे, आप उनके साथ एक साथ सामंजस्य बना लेंगे, लेकिन जो क्राउड आता है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर वाइड बॉल क्रिकेट में खासकर, और क्रिकेट की दुनिया में क्राउड का ही बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है क्राउड का, और जो टीम जो प्लेयर उस प्रेशर को अब्सॉर्ब कर लेता है वही बड़ा बनता है, वही टीम बड़ी बनती है। तो इसी वजह से पाकिस्तान टीम चाह रही है कि उनके साथ एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी ट्रैवल करे ताकि वो जो क्राउड का प्रेशर होगा, लोग बैठे रहेंगे आपको चीयर करेंगे, उसका अब्सॉर्ब करें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ग्राउंड सब इंडिया में हैं, बहुत भारी मात्रा में क्राउड आता है यहाँ देखने के लिए। खासकर जो इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा उस मुकाबले में क्राउड का प्रेशर होगा, आपके सपोर्टिंग आपके अगेंस्ट के फैंस का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, तो उस मुकाबले में आपको जो प्रेशर अब्सॉर्ब करने के लिए ये ही हेल्प करेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, वो आपको काम करेंगे, पेशेंट करेंगे, आप पेशेंस से खेल पाएंगे, और क्रिकेट का दूसरा नाम ही पेशेंस है, प्रेशर अब्सॉर्ब करना ही क्रिकेट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। तो आप अगर वो अब्सॉर्ब करके अच्छा खेल पाए तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी इंडिया पाकिस्तान जैसे महामुकाबले में, या पाकिस्तान आगे क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल या फाइनल के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे यहाँ पर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। ये देखने वाली बात होगी कितना ज़्यादा मदद करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट पाकिस्तान टीम की। और ये जो साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर हायर करने की बात चली है तो पाकिस्तान टीम पहले भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का मदद ले चुकी है और बहुत ही अच्छी मदद उनके हुई है पाकिस्तान टीम की, बहुत फ़ायदा हुआ। आपको बता दें कि इंडिया टीम भी जब 2011 वर्ल्ड कप जीती थी तब उनके साथ भी एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ट्रैवल कर रहे थे और बहुत से प्लेयर्स उनके बारे में बात करते हैं कि उन्होंने बहुत मदद की, वो खुद आके बातें करते थे, मोटिवेट करते थे प्लेयर्स को, प्रेशर अब्सॉर्ब करने की टेक्निक्स बताते थे और बहुत ज़्यादा मदद करते थे। और बहुत बड़ा कारण ये भी बताते हैं इंडियन टीम के प्लेयर्स की स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की वजह से प्रेशर अब्सॉर्ब कर पाए और मैच जीत पाए और वर्ल्ड कप जीत पाए, बहुत बड़ा कारण वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को भी बताते हैं। तो शायद इसी रूट पे चलते हुए पाकिस्तान ने भी अपने साथ एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट रखने का सोचा जो इंडिया आएंगे उनके साथ वर्ल्ड कप खेलने। कमेंट्स में बताएं दोस्तों कि पाकिस्तान का ये जो दाव है क्या वो फायदा देगा, क्या स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट उनको वर्ल्ड कप जीतने में मदद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। देखते रहे तूफान स्पोर्ट्स, खेलो तूफान से।